Are we live? Okay. Yes, we're live. So, very good morning, all of you. Welcome to the डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस। आप लोग विश्वास नहीं करोगे, 5 मिनट से मैं बोलता चला जा रहा हूँ। आई वाज थिंकिंग कि ये ट्रांसमिट हो रहा है, ब्रॉडकास्ट हो रहा है, बट देन आई रियलाइज कि अरे कमेंट्स मूव नहीं कर रहे, एंड मैं 5 मिनट से बोले जा रहा हूँ, एंड देन आई रियलाइज कि अरे इट हैज नॉट गॉन लाइव। एंड आई हैड क्लिक लाइव, बट आई डोंट नो व्हाई इट हैपेंड। बट एनीवे, 1st of July है आज, तो कभी कभी महीने के पहले में ब्लूपर्स हो सकते हैं। सो वन ऑफ दोस ब्लूपर्स। एनीवे, क्विकली शेयर कर दीजिए। आई थिंक हम लोग आज जल्दी लाइव हो जाते, बट 5-6 मिनट तो इसी में चला गया, अदरवाइज वी वुड हैव बीन लाइव बाय 10:20, 10:25। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द एनालिसिस। आई होप एवरीबडी इज सेफ, डूइंग गुड, टेकिंग केयर ऑफ देमसेल्व्स, देयर फैमिली मेंबर्स। राइट, स्माइल का एक रीजन है। मतलब आई जनरली स्माइल, ऐसा नहीं है कि स्माइल नहीं करता, मतलब उसका एक रीजन है स्पेसिफिकली। बताऊंगा अभी, लेट अदर पीपल आल्सो ज्वाइन इन, तो उसके बाद हम लोग बात करेंगे इस बारे में। आज वैसे अगर आप एडिटोरियल में देखेंगे तो हर किसी ने चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर एडिटोरियल लिखा हुआ है, बट हम नहीं पढ़ेंगे भाई। हम क्यों पढ़े उनकी पार्टी के बारे में, हमारे लिए रेलेवेंट थोड़ी है। हमारे लिए रेलेवेंट है कि भाई चाइना क्या करता है। सो यू आर नॉट गोइंग टू रीड अबाउट चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और इनकी हिस्ट्री। बस हम लोग जो है, मैंने आप लोगों के लिए सिंप्लीफाई करने के लिए उनकी हिस्ट्री का जो एक टाइमलाइन है वो बना के दे दिया है, वो कर लेंगे हम लोग। बट वाई शुड बी स्टडी देयर हिस्ट्री? भाई हमारी हिस्ट्री इतनी इंपॉर्टेंट है, उस वही खत्म नहीं होती लोगों की। एनीवे, सो वी जस्ट हैव टू एनालाइज द ट्रेंड ऑफ हाउ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी हैज इन्वॉल्व ओवर सो मेनी ईयर्स, एंड दे आर ऑल्सो बाई द वे सेलिब्रेटिंग देयर, उन्होंने 1 जुलाई को उनका दे मार्क देयर एनिवर्सरी, एंड ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली टूडे इज डॉक्टर्स डे। तो जितने भी डॉक्टर्स देख रहे हैं सेशन को, या जितने भी डॉक्टर्स हमारे आस पास हैं, उन सबको बहुत बहुत थैंक यू, दिल से शुक्रिया फॉर कीपिंग अस सेफ, कीपिंग अस सेन, कीपिंग अस हेल्दी, कीपिंग अस वाइज। तो ऑल द डॉक्टर्स, डॉक्टर्स डे पे आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, एंड थैंक यू फॉर बीइंग देयर फॉर अस व्हेन वी कांट टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स, बिकॉज वी आर स्टूपिड पीपल, वी वेंचर आउट विदाउट मास्क एंड वी डोंट नो व्हाट टू ईट, व्हाट नॉट टू ईट। तो इसलिए थैंक यू डॉक्टर्स। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सो बिफोर वी बिगिन, देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई वांट टू टेल ऑल ऑफ यू। अभी काफी लोग आ गए हैं क्लास में लाइव। वैसे तो मतलब द हिंदू एनालिसिस इज हैज बीन माय सो कॉल्ड ब्रेन चाइल्ड। आई टेक 2-3 मिनट्स टू टेल यू दिस। वाज द फर्स्ट वन टू स्टार्ट
अगर आप बहुत पुराने टाइम से मुझे जानते हो, इफ यू नो मी फ्रॉम 2015-16, जब से अनअकैडमी स्टार्ट हुआ है, तो हिंदू एनालिसिस पहले यूट्यूब पे नहीं होता था, किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं होता था. इनफैक्ट द हिंदू एनालिसिस जो है वो पहले अनअकैडमी के जो प्लेटफॉर्म है उस पर हुआ करता था. एंड मी, रोमन, सैनी एंड गौरव, जो गौरव इज द सीईओ ऑफ अनअकैडमी, हम लोग का ये आइडिया था कि हम लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं. हम लोग मिलके हमने सोचा कि दिस इज वन थिंग दैट वी कैन डू. स्टार्ट किया था और भी लोगों ने, बट आई थिंक वो ट्रैक्शन उतना नहीं मिला था. एंड आई वॉज ऑल्सो लिटिल स्केप्टिकल अबाउट इट. देन आई टुक इट फॉर ऑलमोस्ट 1-1.5 years. उसके बाद देन आई स्टॉप टेकिंग इट ऑनलाइन. फिर देन आई वॉज टीचिंग ऑफलाइन, तो वहां पे मैं करंट अफेयर्स पढ़ाता था. बट जब से अनअकैडमी यूपीएससी आर्टिकुलेट चैनल बना है, उसके बाद से आई थिंक जब प्रीवियसली और लोग ले रहे थे, उसके बाद यू नो मुझसे बोला गया दोबारा लेने के लिए, तो आई वॉज मोर देन एक्साइटेड बिकॉज दिस इज वन थिंग दैट आई हैव रियली एंजॉयड ऑलवेज, यू नो, टीचिंग करंट अफेयर्स, टेकिंग न्यूज़पेपर एनालिसिस. तो आई हैव ऑलवेज एंजॉयड दिस, तो उस वजह से इट वॉज वेरी नेचुरल फॉर मी. तो आज ठीक एक साल कंप्लीट हो गया डीएनए को स्टार्ट किए मुझे अनअकैडमी आर्टिकुलेट चैनल पे. पहले मैं लेता था वो जो अब आपका चैनल हो चुका है, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी. देयर वाज ओनली वन यूट्यूब चैनल पहले अनअकैडमी का, एंड इट्स नेम वाज लेट्स क्रैक यूपीएससी, जो अनअकैडमी नाम से था सिर्फ वो, एंड उसका नाम चेंज करके लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हो गया. फिर ऐसे बहुत सारे अलग अलग चैनल हो गए. तो अगर आप देखोगे मेरे पुराने वीडियोज अनअकैडमी के, एक्चुअली उस चैनल पे आपको मिलेंगे. बट जब से आर्टिकुलेट बना है उस पे से आई हैव स्टार्टेड टेकिंग दिस एनालिसिस फ्रॉम 1st of July 2020, और आज ठीक एक साल कंप्लीट हो जाएगा इस डीएनए एनालिसिस को. तो आप से देख सकते हो कि आपकी करंट अफेयर्स प्रिपरेशन जो है उसमें कितना ज्यादा हेल्पफुल रहा है ये अनअकैडमी का जो ये न्यूज़पेपर एनालिसिस है, जो डीएनए हम लोग करते हैं, द हिंदू एनालिसिस बेसिकली. एंड दिस इज द क्रेडिट गोज टू ऑल द लर्नर्स एंड ऑल द व्यूअर्स, बिकॉज यू हैव मेड इट वन ऑफ द मोस्ट लव्ड सेशंस. चाहे वो इस चैनल पे तो सबसे ज्यादा लाइक्ड और व्यूड तो है ही, ओवरऑल भी आप डीएनए सेशंस में देखोगे, सो कंपैरेटिवली द रेशियो, रेशियो मतलब जितने सब्सक्राइबर्स हैं, जितने व्यूअर्स हैं, उसके बेसिस पे व्यूज और लाइक्स जो है वो सबसे ज्यादा है, वन ऑफ द हाईएस्ट है ऑन एनी न्यूज़पेपर एनालिसिस. सो क्रेडिट गोज टू ऑल ऑफ यू, ऑल द व्यूअर्स, ऑल द लर्नर्स फॉर मेकिंग इट वन ऑफ द बेस्ट. थैंक्स टू माई अमेजिंग टीम कंप्राइजिंग ऑफ ऑल द amazing learners like Achal, Archit, Joel, Umang, BB, everybody, you know, Anirudh, who have been helping in one way or the other with the analysis. Asad, बहुत सारे लोग हैं जिनका contribution रहता है यहाँ पे आप लोग के लिए research करने के लिए, या फिर कुछ interesting images बनाने के लिए, या आपके लिए compilation बनाने के लिए. वो voluntarily करते हैं, they don't have to do it. मैं उनको बोलता नहीं हूँ करने के लिए, they voluntarily do it for all of you. So amazing stuff done by amazing set of team. टीम मुझे थोड़ी बाद में मिली है, पहले मैं खुद ही करता था, वन मैन आर्मी था, बट बाद में रियलाइज हुआ कि यू कैन नेवर विन अ बैटल, यू नो, बीइंग अ वन मैन आर्मी. तो आई थिंक ये जो वॉर है वो हमें हमेशा मिलके जीतना होता है. एंड आई थिंक आई हैव बीन फॉर्चुनेट इनफ टू हैव दिस अमेजिंग सेट ऑफ टीम जो मुझे थोड़ी बाद में मिली, बट आई एम रियली हैप्पी टू हैव देम अराउंड. सो एनीवे, अगर आप देखोगे तो it has been an amazing experience and let's take it to a newer heights. So aaj team ne apni taraf se bhi ek bana ke bheja hai mujhe, so this is something that team has made. So team ne ek banaya that I am indeed glad and proud on achieving this milestone, but the actual credit goes to my students, without whose support this wouldn't have been possible. Thanks to everyone for making the journey smooth and easy. Let us keep on inspiring others and make the journey more glamorous, replied the Manju Singh on being interviewed by reporters at his residence. So, bilkul typical news style mein, they have made this for me. This I made, jaldi jaldi mein, I said, chalo, theek hai, at least we should realize. Mujhe yaad bhi nahi tha. In fact, I did not even remember. Mujhe yaad dilaya kisi ne ki, sir, aaj DNA ke ek saal ho gaye. And at the same time, it's really good to know that aaj National Doctors Day hai. So, again, thanking all the doctors for their immense amount of dedication to saving our lives. मतलब of course I don't know कि हम लोग कहाँ होते अगर doctors नहीं होते, और हमारे जैसे देश में जो dedicated doctors हैं वो नहीं होते. So celebrating Doctors Day also, celebrating one year of DNA also, amazing stuff. और आज ही के दिन Unacademy ने सोचा कि एक promise हम लोग करते हैं, हम भी promise करेंगे और Unacademy promise कर रहा है. Unacademy ये promise कर रहा है कि अगर आप 7 जुलाई से पहले 2 साल या उसके ऊपर का subscription रहते हो, वैसे तो मैं चाहता नहीं हूँ कि आपको ये promise की जरूरत पड़े, I don't want you this, but just in case, हो सकता है आपके किसी friend को या बाद में किसी भाई को, relative को जरूरत पड़ सकती है,
प्रोबेबली यू कैन वॉट यू कैन डू इज कि वो आपको एक साल का सब्सक्रिप्शन और फ्री देंगे अगर इन केस मान लो आपका एग्जाम बाई चांस क्लियर नहीं होता, बाई चांस क्लियर नहीं होता, तो अगर आप 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो और उसके बाद अगर आपको लगता है कि इन केस नहीं होता तो 1 साल का सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी अपनी तरफ से पूरे 1 साल का फ्री देगा। बट मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोगों को इसकी जरूरत पड़े कभी, बट जस्ट इन केस तो आपका 1 साल का जो वो पूरा फीस है वो टोटली वेव ऑफ हो जाएगी। तो फर्स्ट टाइम जो है ये फर्स्ट टू 7th वीक ऑफ जुलाई के बीच में ये जो है अनाउंस किया जा रहा है। तो इसको सब्सक्रिप्शन लेने के लिए यू नो द कोड, अब तो आई थिंक पता होगा मोस्टली लोगों को। आई फील लाइक शाहरुख खान सेइंग, नाम तो सुना ही होगा। सो डीप टू सेवन इज द नेम और डीप डीपेस्ट लाइव इज द कोड। सो अन अकेडमी के नोट्स मिलेंगे, गारंटीड सब्सक्रिप्शन टिल मेन्स है। उसके अलावा यूपीएससी मतलब जितने भी आप देखोगे आपके जो एग्जाम रिलेटेड जितनी भी चीजें सब आपको मिलेंगी, प्रॉमिस है। फिर टेस्ट सीरीज भी आपको इंक्लूडेड है। कॉम्बो पे अभी भी उन्होंने बोला है कि 35% हम कंटिन्यू कर रहे हैं ओनली टिल 1st 7th of July, तो दिस विल कंटिन्यू। तो ये क्या है कि बस अगर आप इस पीरियड में लेते हो 2 साल से ज्यादा पे, 1 ईयर पे नहीं है, 2 ईयर मोर्स पे है, 2 ईयर और मोर पे दिस इज अवेलेबल। सो टेक्निकली 3 साल का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है आपको, बट वो 3 साल तब है अगर एग्जाम क्लियर नहीं होता। बट मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू क्लियर द एग्जाम। इसीलिए इतनी मेहनत करते हैं सर, सुबह उठ के, पहाड़ हो, जंगल हो, नदी हो, खेत हो, खलियान हो, वहां से भी क्लास चलती रहती है हमारी। तो उसका पर्पज यही है कि आप लोग को एग्जाम क्लियर होना चाहिए और 1 साल से देखो विदाउट फेल। मतलब आई थिंक मुझे नहीं लगता कि किसी दिन ऐसा हुआ होगा कि डीएनए नहीं हुआ होगा। डीएनए नहीं हुआ होगा दिन में तो वो रात को हुआ होगा, लेकिन हुआ जरूर है। तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं है कि डीएनए ना हुआ हो। आई डोंट थिंक सो, आई हैव टेकन इवन अ सिंगल डेज गैप ऑन डीएनए। तो कीपिंग दैट ट्रेडिशन गोइंग फॉरवर्ड, आई वॉन्ट कि अब हमारे और व्यूज जो हैं, और व्यूवर्स जो हैं, जैसे हम लोग तो 650 तक पहुंच चुके हैं, आई वॉन्ट कि फ्यूचर में आई थिंक विद इन नेक्स्ट 2-3 मंथ्स वी कैन हैव 1K+ लाइव व्यूवर्स जो। तो लेट्स सी, यू नो 1K+ लाइव व्यूअर्स जो है वो हम एम कर सकते हैं। जस्ट सेकेंड, तो आज का जो हमारा एडिटोरियल है, दिस एडिटोरियल इज कवरिंग पुलिस रिफॉर्म्स। सो ये पुलिस रिफॉर्म से रिलेटेड है हमारा, एंड जिन्होंने आर्टिकल लिखा है ये मैडम जो है, मैडम हैज बीन एन आईपीएस ऑफिसर, वाज कमिश्नर ऑफ पुलिस फॉर पुणे एंड रिटायर्ड एज द डीजी ऑफ ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डिपार्टमेंट। तो ये जो आर्टिकल है इन्होंने हाईलाइट किया अबाउट हाउ टेक्नोलॉजी फॉर सर्विस डिलीवरी टू सिटीजन नीड्स टू बी प्रायोरिटाइज्ड बाय पुलिस लीडरशिप। दिस इज अ टास्क इट कैन टेक फोकस ऑन विदाउट पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। तो बेसिकली हाउ रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन पुलिसिंग के बारे में इन्होंने हाईलाइट किया है। देखिए आज के टाइम पे जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो कंसिडरिंग दैट व्यू पॉइंट, तो सोशल इम्प्लीकेशन कैन बी गॉज फ्रॉम द रिपोर्ट ऑफ क्राइम इन इंडिया 2019 पब्लिश बाय द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। एज पर द रिपोर्ट 25,000, क्या हो गया इसको आज, नैट ग्रिड तो चलिए अलग है, नैट ग्रिड पे तो सारा डेटाबेस रहता है, नैट ग्रिड इज अ सेपरेट एंटिटी। नैट ग्रिड पे आप देखोगे एवरीथिंग इज देयर, ठीक है। तो आज पेन का मूड नहीं है, चलो चल रहा है आज पेन का भी मूड नहीं है गया सर, छुट्टी है आज, आज 1st जुलाई ऑफ लेना चाह रहा है वो। सो सोशल इम्प्लीकेशन आप इससे गॉज कर सकते हैं कि मोर देन 25,000 केसेस जो है वो असॉल्ट ऑन वुमेन के ऊपर है,
मतलब आप देखो विमेन रिलेटेड केसेस जो है उनकी बढ़ोतरी हो रही है, एंड उसके हिसाब से आप देखोगे 25,000 से ज्यादा केसेस जो है, एंड मोर देन दैट अगर आप देखो इसको अगर हम ऐसे करें तो ये बेटर हो रहा है। हाउ टू मेक नोट्स फ्रॉम न्यूज़पेपर, सर उसके लिए पिछले लेक्चर देख लें आप वो भी कह रहा आज मुझको ब्रेक चाहिए। नहीं नहीं चलेगा ऐसे, कैसे नहीं चलेगा, चलना पड़ेगा उसको। एक सेकंड दो आप मुझे ना, जस्ट गिव मी अ मिनट। एप्पल पेंसिल है मेरे पास, आईपैड से भी चल जाता है, बट ये जो है नॉर्मल उससे भी चल जाएगा, उससे कोई इशू नहीं है। व्हाट इज द इशू इसका? चलो सॉरी, तो आज ना सारे ही काम होने एक साथ, बट एनीवे चलो काफी लोग आ गए अब तक तो क्लास में। सो बेसिकली ड्रिलिंग का भी काम हो रहा है आज, पेन भी नहीं चलेगा, सारी चीजें एक साथ होंगी, सो एवरीथिंग इज हैपनिंग टुगेदर ओनली। लिटरली काम नहीं कर रहा है, लिटरली काम नहीं कर रहा है, लिटरली काम नहीं कर रहा है, आज बिल्कुल ही मूड में नहीं है लिखने के। वैसे काम करेगा लेकिन अभी नहीं कर रहा है। चल जा भाई, क्या हो गया तुझे? पेन मोड तो डिटेक्ट कर रहा है लेकिन इसका मैं नहीं। हाँ चलो ठीक है, तो अभी जूम करूंगा तो फिर शायद बंद हो जाएगा ये। नहीं चल रहा है, चलो चल गया। एनीवे कल गाइस चलो चलो क्या वापस आ जाओ। सो देखिए सोशल इम्प्लीकेशंस क्या है, कैन बी गॉज फ्रॉम द फैक्ट दैट आप देखो क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो है वो बढ़ गया है काफी ज्यादा, एंड ऑल्दो अलॉन्ग विद प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम एंड मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर पुलिस स्टेशन इन इंडिया अंडरटेक न्यूमरस डेली टास्क, फॉर एग्जाम्पल प्रोवाइडिंग वेरिफिकेशन नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। इन्होंने बेसिकली बताया कि आप देखिए आज के टाइम पे जो पुलिस है उनका रोल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, एंड दे आर इंगेज इन लॉट ऑफ थिंग्स, एंड उसके साथ साथ आप देखोगे कि पुलिसिंग में जो एफिशिएंसी होनी चाहिए कहीं ना कहीं वो आप देखोगे वो मिसिंग हो जाती है, क्योंकि अ लॉट ऑफ पुलिस वर्क इज डिप्लॉयड इन थिंग्स एंड टास्क जो अननेसेसरी तो आप नहीं कह सकते बट शायद नीड ऑफ द आवर नहीं है। सिमिलरली
जो ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डिपार्टमेंट इनफैक्ट डेवलपमेंट, इसके बारे में हमने बात की थी हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के कोर्स में, जो ये बीपीआरडी ऑर्गेनाइजेशन है, ये बीपीआरडी ऑर्गेनाइजेशन नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई रिसर्च उस पर काम करता रहता है, विच इज गोइंग टू हेल्प द पुलिस डिपार्टमेंट बिकम मोर एफिशिएंट। तो इन्होंने ऐसे अलग अलग टास्क जो आइडेंटिफाई किए, जो जैसे फॉर एग्जाम्पल मेंटेनेंस लॉ एंड ऑर्डर, मेंटेनेंस ऑफ पुलिस स्टेशन, मेंटेनेंस ऑफ देयर पुलिस रिकॉर्ड्स, बहुत सारी चीजें हैं जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं, जो कदम है वो आपके पुलिस की एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। सो इन क्रिमिनल एंड नॉन कॉग्निजेबल केसेस पुलिस स्टेशन प्रोवाइड कॉपीज ऑफ एफआईआर्स, कंप्लेंट्स एंड फाइनल रिपोर्ट्स। फॉर कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट दे इशू नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फॉर ओपनिंग, रिन्यूअल ऑफ ईटिंग रेस्टोरेंट्स एक्सेट्रा। सो पुलिस स्टेशन ऑल्सो वेरीफाइड डोमेस्टिक हेल्प एम्प्लॉयज, मतलब आप देखो कितना सारा काम है, टेनेंट का वेरिफिकेशन करना, डोमेस्टिक हेल्प का वेरिफिकेशन करना, उसके अलावा आप देखोगे एम्प्लॉयज जो होते हैं सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, उनका सबका पुलिस वेरिफिकेशन होता है, आपने भी किया होगा, आपका होगा बेसिकली हुआ होगा। तो ये क्या इनफैक्ट, उसके अलावा आप देखो वेपन्स के लिए हो, तो आज के टाइम पे पुलिस का इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है जो हम बेसिकली डेली जो समझते हैं ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ पुलिस, ठीक है, उससे कहीं ज्यादा इनका रोल है। कीर्ति जी बोल रही है डेली मोटिवेशनल कोट, आई थिंक सबसे बड़ा डेली मोटिवेशनल कोट आज का यही है, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। आई थिंक डूइंग डीएनए फ्रॉम पास्ट वन ईयर मुझे करते हुए देख के आप ये समझ सकते हो कि कंसिस्टेंसी होनी बहुत जरूरी है, चाहे आप कहीं भी चले जाओ, जैसे मैंने बताया पहाड़ पे चले जाओ, विदेश चले जाओ, क्लास होनी चाहिए, वैसे आपको भी कहीं भी चले जाओ, कहीं से भी पढ़ना बहुत जरूरी है और एग्जाम क्लियर करना जरूरी है। तो आई थिंक कंसिस्टेंसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेट आज के टाइम पे, वही आपको होना चाहिए आप में भी, ये कंसिस्टेंट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक्चुअली मैंने डेली मोटिवेशन कोट आप लोगों के लिए आज सोचा था और वो ऑलरेडी है भी, तो मैं अगर आपको दिखाऊं, दिस इज बाय थॉमस अल्वा एडिसन। सो इफ वी डिड ऑल द थिंग्स वी आर केपेबल ऑफ, वी वुड लिटरली अस्टाउंड आवरसेल्व्स। तो मैं सोचा था कि आप लोगों को ये बताऊंगा मैं, बट एनीवे, तो दिस इज सिमिलर टू कंसिस्टेंसी, कि अगर हम वो सारी चीजें करें जो हम केपेबल है करने के लिए, तो हम अपने आप को सरप्राइज कर सकते हैं। दिस वॉज बाई थॉमस एडिसन एंड दैट काइंड ऑफ टॉक्स अबाउट द सेम थिंग, कि कंसिस्टेंसी अगर हो आपके एफर्ट्स में और जो आप चाहते हो करना, अगर वो आप करते रहोगे तो आप ऐसी चीजों को अचीव कर सकते हो जिसके बारे में कभी आपने सोचा ना हो। तो फर्स्ट लेसन भी जो है कंसिस्टेंसी था, आज भी हम लोग कंसिस्टेंसी की ही बात कर रहे हैं। जस्ट अ सेकेंड, एनीवे, तो कमिंग टू कंसिस्टेंसी, तो पुलिस का काम आप देखिए ना सिर्फ पुलिसिंग में, आइडेंटिफिकेशन में है टेनेंट्स को लेके, पुलिस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस में, उसके अलावा अगर आप देखोगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की अगर हम बात करें, सो ईज ऑफ बिजनेस मींस पुलिस स्टेशन डिस्पोज ऑफ दोज रिक्वेस्ट इन अ ट्रांसपेरेंट एंड अ टाइम बाउंड मैनर, बट दीज एनओसी एंड वेरिफिकेशन आर नॉट ईजी टू कम बाय। सो In Maharashtra, where a former Home Minister and top police officers, including former Mumbai's police commissioner, are facing allegation of extortion, कई बार क्या होता है पुलिस पे unnecessary pressure होता है जहां पे ये लोग काम efficiently अपना नहीं कर पाती हैं। So even as police reforms are pursued by the Supreme Court, a definite attempt can be made to ensure time-bound delivery of above-mentioned services. तो अब क्या है, जो इतना सारा पुलिस काम करती है, जो यहां से लेके यहां तक हमने discuss किया और बीच में pen नहीं चल रहा था, तो वो भी एक टेक्नोलॉजी कंस्ट्रेंट है। सोचो हम लोग इतने टेक एक्सपर्ट हैं, उसके बाद भी देखो सॉफ्टवेयर काम ना करे तो दिक्कत हो जाती है। इमेजिन, इसी को आप लिंक कर सकते हो पुलिस पर्सनल, जिनको कभी ऑफिशियली फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं मिलती है, वो बेचारे अगर उनको लैपटॉप वैपटॉप आप बोल दो कि रिपोर्ट प्रिपेयर करके दो एक्सेल वेक्सेल पे, तो वैसे ही उनके हाथ पैर फूल जाते हैं। तो द पॉइंट इज कि हम लोग भी वी ऑल्सो फील समटाइम्स टेक्नोलॉजिकली हैंडीकैप्ड। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इवन आज के टाइम पे जो पुलिस रिफॉर्म जो है उसमें टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है और टेक्नोलॉजी को उस तरीके से यूज किया जाए कि यू नो दैट इट इज मेड एफिशिएंट एंड इट इज आल्सो मेड इन अ वे दैट यू नो दीज पुलिस पर्सनल्स कैन टेक एडवांटेज ऑफ इट।
तो इसी में जो ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, उन्होंने काफी हद तक काम किया है कि कैसे वन स्टॉप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज पुलिस में भी हो। ऐसा नहीं कि आपको बार बार जो है टेनेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़े, ठीक है, पुलिस वेरिफिकेशन, पासपोर्ट का वेरिफिकेशन होता है, उसके लिए भी आते हैं पुलिस वाले। तो पॉइंट ये कि आपको इन सब चीजों के लिए जाना ना पड़े और ये सारी जो डिलीवरी ऑफ सर्विसेज है वो आपके एफिशिएंटली होती रहे। सो ये जो सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज हैं, लाइक रिक्वेस्ट ऑफ इशू ऑफ रिन्यूअल ऑफ वेरियस एनओसी, वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट फॉर सर्वेंट्स, एम्प्लॉयमेंट पासपोर्ट, सीनियर सिटीजन एटसेट्रा एटसेट्रा, ये कई सारे आप देखोगे स्टेट्स में ऑलरेडी चालू हो चुका है। एंड उसके अलावा आप देखोगे यूजर फेस न्यूमरस प्रॉब्लम ऑफ एक्सेसिबिलिटी टू दीज सर्विसेज, कई सारे पोर्टल काम नहीं करते हैं। बट कई सारे आप देखोगे स्टेट्स में एफिशिएंट काम किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल इन पार्ट्स ऑफ मिजोरम, राजस्थान, लक्षद्वीप पोर्टल जो बनाए गए उत्तराखंड में, others like Himachal Pradesh did not work until the third attempt. So even after signing up, it stated that the request could not be processed. तो कई जगह क्या है, टेक्नोलॉजी को यूज करने की बात की जा रही है, बट अगर आप देखोगे प्रॉब्लम क्या है कि टेक्नोलॉजी उतनी एफिशिएंट नहीं है, या तो उसको ढंग से बनाया नहीं गया, उसको प्रॉपरली टेस्ट नहीं किया गया। सो क्लियरली टेक्नोलॉजी फॉर सर्विस डिलीवरी टू सिटीजन हैज नॉट बीन प्रायोरिटाइज बाय द पुलिस लीडरशिप। उन्हें अभी भी देखो क्या है कि उन्हें लगता है कि वो जो फेस टू फेस पुलिसिंग है उसके बारे में वो सोचते हैं, और फेस टू फेस पुलिसिंग का अपना भी एक रोल है, ठीक है। फेस टू फेस पुलिसिंग हैज इट्स ओन चैलेंजेस एंड इट्स ओन इश्यूज। टू फेस जो पुलिसिंग होती है उसका अपना एक लिमिटेड रोल है, बट आज के टाइम में पैंडेमिक में आप देखोगे, पैंडेमिक में ये फेस टू फेस पुलिसिंग हर जगह नहीं हो सकती, तो इसीलिए आप देखोगे टेक्नोलॉजी ड्रिवन पुलिसिंग की बहुत जरूरत है। आज देखो पुलिस ड्रोन यूज कर रही है मॉनिटर करने के लिए, फेस आइडेंटिफिकेशन यूज कर रही है। इनफैक्ट कुछ पुलिस डिपार्टमेंट से ऐप बनाया हुआ है कि आप ऑनलाइन लॉज कर सकते हो कंप्लेन, आजकल ऑनलाइन एफआईआर का भी सिस्टम चालू हो गया है। तो बहुत हद तक आप देखोगे ये सब चीजें काम कर रही हैं आपकी, बट वहीं पे भी बहुत सारी जगह आप देखोगे देर इज अ लॉट ऑफ एफर्ट रिक्वायर्ड। फॉर एग्जाम्पल ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च हैड वर्कड आउट द टाइमलाइन फॉर ईच सर्विस एंड द हायरार्की लेवल्स इन्वॉल्वड, द रिकमेंडेशन हैव बीन शेयर्ड विद द स्टेट पुलिस अडेरिंग टू अ डिफाइंड प्रोसेस। सो इट विल अब जैसे ये एक हर एक सर्विस के लिए उन्होंने बता दिया कि भाई इससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। For example, it will reduce the number of fruitless visits the citizens make to police station chasing different officers. अब जैसे आप जाओगे पासपोर्ट वेरिफिकेशन वाला आदमी आएगा, ठीक है, एक कांस्टेबल आएगा वो आपसे करेगा, तो वैसे तो नहीं कहना चाहिए, बट बहुत सारी जगह वो क्या कि बहुत सारी जगह दे विल सीक अ ब्राइब विच शुड नॉट बी देयर। तो आजकल उसको भी ऑनलाइन आप देखो ऑनलाइन पासपोर्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, ई पासपोर्ट सेवा चालू हो गया है, बट वेरिफिकेशन के लिए तो फिर भी पुलिस वाला आता है। और एक पुलिस स्टेशन में सिर्फ एक ऑफिसर से काम होता नहीं है, एक आदमी जाओ वो बोलेगा इसके पास जाओ, वो बोलेगा उसके पास जाओ, तो उसको ईज करने का तरीका क्या होता है भाई, उसको सुन कुछ खाना खाना बोलते हैं ना खर्चा पानी दे दो। तो टू ईज ऑफ दिस थिंग यू हैव टू गिव देम सम खर्चा पानी, सो यू हैव टू चेज डिफरेंट ऑफिसर। सो अलॉन्ग विद द ईज ऑफ यूज द लैंग्वेज ऑफ ई पोर्टल नीड्स अटेंशन टू। अब हर कोई देखो दे कांट यू नो हैव द सेम लैंग्वेज कंस्ट्रेंट्स है सबका, तो ये भी जरूरी है कि हम ध्यान रखें कि जो लैंग्वेज है वो जो पोर्टल है वो अलग अलग लैंग्वेजेस में अवेलेबल रहे। सो सिटीजन सीकिंग क्लियरेंस में नॉट बी वेरी एजुकेटेड ऑल्सो, उसको सिंपल लैंग्वेज में सिंपल सरल तरीके से समझ में आना चाहिए। हिंदी इंग्लिश रीजनल लैंग्वेजेस में बनाया जाना चाहिए इसको पोर्टल को। एंड ये जो जो जस्टिस रिपोर्ट है इसने पाया दैट मोस्ट ऑफ द साइट्स आर अवेलेबल इन इंग्लिश और हिंदी ओनली बट नॉट नेसेसरली इन द स्टेट लैंग्वेजेस। सो द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने मार्क किया अबाउट 20,000 करोड़ फॉर द मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एमएचए ने 2017 से 2020 के बीच में इतने पैसे दिए हैं इनको मॉडर्नाइजेशन के लिए, बट ऐसा कुछ देखो खास मॉडर्नाइजेशन हुआ नहीं है। जैसे सीसीटीएनएस के बारे में हमने बात की थी उसके लिए, उसके अलावा पुलिस वायरलेस एंड ई प्रिजन के लिए अलग अलग स्कीम्स है जिसके लिए एमएचए ने 20,000 करोड़ से ज्यादा खर्च किए। ये पूरा का पूरा आर्टिकल आपके टॉपिक पुलिस रिफॉर्म्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। सो इन पुणे पुलिस कमिश्नर वी हैड एन एडिशनल कमिश्नर एंड इंजीनियर फ्रॉम बिट्स पिलानी इनिशिएटिंग एंड मॉनिटरिंग द टेक्नोलॉजी फॉर सिटीजंस। तो जब हम बात करते हैं कि आप में से बहुत सारे लोग इंजीनियर्स हैं, जब आप सिविल सर्विस में जाओगे
या पुलिसिंग में जाओगे, आईएएस बनोगे, तो आप लोग अपनी जो फील्ड की एक्सपर्टीज है वो कहीं ना कहीं यूज करोगे। जैसे जो लोग डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे आप देखोगे आईएएस ऑफिसर्स ने ऑन द ग्राउंड कोविड में जो है लोगों को टेस्ट किया, जाके उनको हेल्प किया, फीवर था जिन लोगों को। तो अगर आप डॉक्टर हो, अगर आप इंजीनियर हो, तो इन सब फील्ड का बहुत फायदा मिलता है आप लोगों को। यू नो यू यू सर्व पीपल इन अ बेटर वे। तो इसीलिए बोलते हैं, जैसे अब इन्होंने एग्जांपल दिया कि पुणे में एक दो एडिशनल कमिश्नर थे, वो इंजीनियर थे, तो उन्होंने पूरी टेक्नोलॉजी को आप देखोगे उस हिसाब से उन्होंने एक सेकंड, पूरी टेक्नोलॉजी आप देखोगे उन्होंने मॉनिटर करी, खुद जो है पूरा डिवाइस किया उसको, और दैट इज व्हाट वेयर द यू नो नॉलेज एंड प्रायर एक्सपीरियंस यू नो हेल्प्स। So life for Indians would be transformed if government departments, including the police, provide maximum information and service through portals, respecting the defined process and timeline. सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ना कोई टाइमलाइन फिक्स नहीं है, जो है वो चल रहा है वो चल रहा है। तो एक तो टाइमलाइन फिक्स करें, ठीक है, अगर हम इसको समराइज करें कि जो सर्विस और डिलीवरी है वो इसमें होनी चाहिए। ये बेसिकली हम लोग का जो गवर्नेंस का कोर्स चल रहा है ना, पॉलिटी का गवर्नेंस के कोर्स में आज शाम को हम लोग पढ़ेंगे, आज जो कल बेसिकली स्टार्ट होगा, जो ये ई गवर्नेंस है और सिटीजन चार्टर, एक ये पुलिस डिपार्टमेंट का भी एक सिटीजन चार्टर होना चाहिए कि भाई ये सर्विसेज होती हैं, इसके लिए ये ऑफिसर्स डेजिग्नेटेड हैं, और अगर आपकी कोई कंप्लेन है तो आप इनको कंप्लेन कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द पुलिस स्टेशन में तो आप देखोगे ढंग से पुलिस स्टेशन का नाम और प्रभारी इंचार्ज का नाम ही नहीं लिखा रहता जो स्टेशन ऑफिसर इंचार्ज है, तो ये सिटीजन चार्टर कहां से लिखा होगा। तो ये भी देखने की बहुत जरूरत है कि भाई चलो सिटीजन चार्टर तो पुलिस स्टेशन में लिखा है, अगर वहां नहीं लिखा है तो ऑनलाइन किसी पोर्टल पे लिखा होना चाहिए। जैसे नोएडा में तो मैं फिर भी देखता हूँ कि नोएडा में जो इनका पुलिस डिपार्टमेंट है, नोएडा पुलिस का, तो उनका जो भी ऑफिसर्स पोस्टेड रहते हैं उनका नंबर और सीयूजी नंबर दिया रहता है इनका, तो आप उनको डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। बट आई डोंट थिंक सो कि पूरे इंडिया में किसी मतलब मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट में ये फॉलो होता है। अभी बहुत सारी जगह होने लगा है, नोएडा, लखनऊ, वाराणसी, ये सारे इंपॉर्टेंट है यूपी में, बिकॉज दीज आर कमिश्नरेट सिस्टम। तो यहाँ पे ऑलरेडी आप देखोगे कमिश्नर ऑफ पुलिस रैंक के ऑफिसर बैठते हैं, विच इज द रैंक ऑफ एडीजी, तो इस वजह से भी थोड़ी एफिशिएंट पुलिसिंग होती है। और यहाँ पे नंबर देना बहुत इंपॉर्टेंट है सीयूजी, और उनको उठाना भी जरूरी है, अगर नहीं उठाएंगे तो उनकी कंप्लेन हो जाती है। प्लस कहीं ना कहीं आप देखोगे पुलिसिंग में जो ये है जागरूक और अवेयर सिटीजन का भी रोल बहुत ज्यादा है, अवेयर सिविल सोसाइटी और एक्टिव सिविल सोसाइटी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। नोएडा में सारे तो मीडिया हाउस है, पत्रकार, प्लस यहाँ के लोग भी बहुत ज्यादा आप देखोगे अवेयर हैं। अब हम जैसे लोग आ जाए तो मतलब और भी ज्यादा अवेयर हो जाते हैं, तो इस वजह से भी पुलिसिंग जो है वो अपने पुलिस अपने टोस पे रहती है, दे नो भाई एफिशिएंटली काम करना है बिकॉज एवरीबडी इज वॉचिंग। तो ये कहीं ना कहीं जो है पुलिसिंग में सिटीजन सेंट्रिक रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिविल सोसाइटी कितनी एक्टिव है, तो दे कीपर चेक। तो उस टर्म्स में आप देखोगे सिविल सर्विस रिफॉर्म्स की रिक्वायरमेंट है, और सिविल सर्विस रिफॉर्म के साथ साथ जब ये हम चीजों को मॉडिफाई करेंगे, सो यू हैव सम वैल्यूएबल पॉइंट्स अबाउट टेक्नोलॉजी, द टाइप्स ऑफ सर्विसेज दैट पुलिसिंग टेक्स, तो हम इसको बेटर तरीके से एड्रेस कर पाएंगे। बाकी हाँ, मैं आपको बता रहा था चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की भी एनिवर्सरी है आज, तो इसकी जरा टाइमलाइन देख लेते हैं चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की। तो 100 ईयर्स ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, तो खैर ये तो इन्होंने 2000 आप देखोगे 21 जुलाई जो अभी ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो इसकी जो शॉर्ट टाइमलाइन है देख लेते हैं, क्योंकि एडिटोरियल सेक्शन में जो आया है उसे हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वी डोंट हैव टू गो टू द एडिटोरियल सेक्शन एंड इनके बारे में बड़े हमें ज्यादा मतलब नहीं है कि क्या है क्या है। बट बेसिकली व्हाट वी हैव टू हाईलाइट इज फ्रॉम द एग्जाम्स पर्सपेक्टिव इज कि जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है उनका जो एजेंडा रहा है या जो रोल रहा है, और कैसे माओ ज़ेडोंग से लेके जो अब शी जिनपिंग है उसको वो कैसे स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, बिकॉज दैट इज वॉट दे वॉन्ट, कि वो बिल्कुल चाइना ऐसा बनाना चाहते हैं जो हर जगह रूल करेगा। तो 1921 में द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी फॉर्म्स इन शंघाई, अ डेकेड आफ्टर द लास्ट डायनेस्टी वाज ओवरथ्रोन। 1924 में द कम्युनिस्ट थे, दे जॉइन द नेशनलिस्ट पार्टी, बट चाई जो चियांग काईशेक थे ही वो एक्सपेल्स देम इन 1927, और फाइटिंग चालू हो गई इनके बीच में। तो उसके बाद आप देखोगे 1931 में जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है उन्होंने डिक्लेयर किया चाइनीज सोवियत रिपब्लिक, एंड जो नेशनलिस्ट थे उनके बीच में जैसे हमारे यहाँ मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट थे, वैसे यहाँ पे वो तो चलो खैर फिर भी फ्रीडम के लिए लड़ रहे थे, ये तो आपस में ही लड़ रहे थे, तो यहाँ पे नेशनलिस्ट जो थे वो उनकी लड़ाई हो गई इनसे। फिर आप देखोगे 1934 और 35 में लॉन्ग मार्च, द कम्युनिस्ट रिट्रीट टू शांजी, माओ ज़ेडोंग इमर्जेस एज देयर लीडर। तो यहीं से आप देखोगे माओ ज़ेडोंग की एक तरीके से जो दबदबा चालू होता है। एंड उसके बाद फिर आप देखो जापान के साथ लड़ाई हुई, फिर सीसीपी की आपस में लड़ाई चल रही है। बट माओ फॉर्मली अक्टूबर 1949 इज अ वेरी सिग्निफिकेंट टाइमलाइन,
माओ फॉर्मली प्रोक्लेम्स दैट पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना एंड द नेशनलिस्ट रिट्रीट टू ताइवान। इसीलिए देखो ताइवान में ये जो नेशनलिस्ट है वो जाके सेटल हो जाते हैं। तो अभी आपको जो ताइवान और हांगकांग की हिस्ट्री है थोड़ी समझ में आएगी। तो जो ताइवान है वहां पे जाके नेशनलिस्ट जाके सेटल कर जाते हैं और माओ ज़ेडोंग जो ही टेक्स कंट्रोल ऑफ द इंटायर कम्युनिस्ट पार्टी एंड द मेनलैंड चाइना। 1950-53 में क्या होता है, दे प्रॉमिस सोवियत सपोर्ट इन रिटर्न। चाइना फाइट्स विद नॉर्थ कोरिया अगेंस्ट यूएस बैक साउथ कोरिया एंड द नॉर्थ कोरिया इन द कोरियन वॉर। इनफैक्ट इंडिया वॉज द इंटरवीनिंग पार्टी इन द कोरियन वॉर। तो इसमें मोर देन 1 लाख चाइनीज जो है दे डाइड। एंड सोवियत को सपोर्ट करने के बाद की, क्योंकि साउथ कोरिया को तो यूएस ऑब्वियसली सपोर्ट कर रहा था। देन उसके बाद एंटी राइटिस्ट मूवमेंट हुए, देन ग्रेट लीप फॉरवर्ड हुआ। देन एक 64 में बड़ा सिग्निफिकेंट चीज होती है, दैट इज देखो आपको याद नहीं करना, बस एक बार सुन लो इसको, बस पता होना चाहिए कि ये लोग आए कहाँ से, सबकी ना बैकग्राउंड पता होना चाहिए। एक लिटिल रेड बुक ऑफ माओस कोट इज पब्लिश अमंग द अदर फेमस पॉलिटिकल पावर ग्रोज आउट ऑफ अ बैरल ऑफ अ गन। 1959 में क्या होता है, तिब्बतन जो है चाइनीज एनेक्सेशन, फोर्स्ड एनेक्सेशन के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं, बट चाइना जो है उनको क्या करता है, दबाने की कोशिश करता है, दबा देता है। देन 66 में कल्चरल रेवोल्यूशन लॉन्च किया जाता है टू डिस्ट्रॉय फ्यूडल कल्चर, बट 1976 में माओ ज़ेडोंग की डेथ हो जाती है। एंड 1971 में आप देखोगे पहली बार पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है वो यूएन ज्वाइन करता है, रिप्लेसिंग द नेशनलिस्ट रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो एक्चुअली में यूएन में पहले दो चाइना थे, एक ताइवान वाला चाइना नेशनलिस्ट रिपब्लिक और ये जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो टेक्निकली जो मेन चाइना है इस समय, पीआरसी जिसको बोलते हैं, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये आपका ऑफिशियली यूएन उन्होंने ज्वाइन किया 1971 में, और 76 में माओ ज़ेडोंग की डेथ हो जाती है। अब 78-79 में क्या होता है कि डेमोक्रेसी वॉल प्रोटेस्टर्स प्रोटेस्ट इरप्ट हो जाते हैं बीजिंग में अगेंस्ट द रिप्रेशन कैरिड आउट बाय द गवर्नमेंट एंड द पॉलिटिकल पार्टी देयर। तो कई सारे रिफॉर्म्स की बात होती है, बट देन 1979 में यूएस फाइनली आप देखोगे ऑफिशियली पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को रिकग्नाइज करता है आफ्टर 30 ईयर्स ऑफ लड़ाई, 30 ईयर्स ऑफ हॉस्टिलिटी। इसके बाद डेंग जियापोंग जो है वो इमर्ज करते हैं एज द डी फैक्टो लीडर। दो बड़े लीडर हैं, डेंग जियापोंग एंड अदर वन इज माओ ज़ेडोंग 1980 में। फिर चाइना जो है वो ट्रेड सरप्लस पे आ जाता है विद द यूएस फॉर द फर्स्ट टाइम। बट फिर से आप देखोगे तिब्बत और बीजिंग रीजन में 1987-89 में इरप्शन हो जाता है ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पीपल बिकॉज दे आर डिमांडिंग बेटर राइट्स एंड वहां पे ऑपरेशन कैरी आउट किया जा रहा है बाय द चाइनीज गवर्नमेंट। सबसे बड़ा जो आप देखोगे हिस्ट्री में एक सिग्निफिकेंट इवेंट है जिसको बोलते हैं तियानेनमेन स्क्वायर। यहाँ पे एक आदमी प्रोटेस्ट करते करते आप देखोगे टैंक के सामने आ जाता है, वो बहुत ही सिग्निफिकेंट इवेंट है 1989 का। कभी आपसे पूछा जाए एग्जाम में तियानमेन स्क्वायर, तो ये मल्टीपल प्रोटेस्टर स्टूडेंट्स जो है थाउजेंड्स ऑफ नंबर्स में मारे गए थे। दिस इवेंट अकर्ड इन 1989 एंड बहुत ही मतलब फेमस इमेज है, टैंक के सामने एक लड़का खड़ा हुआ है, आपने देखा होगा, वो सारे स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट थे। एंड उसके बाद फिर क्या हुआ, 92 में आप देखोगे डेंग जो ज़ियापोंग है उन्होंने इकोनॉमिक रिवाइवल की बात की। 1997 में उनकी डेथ हो जाती है। 98 में एज यू नो एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, बहुत सारी कंट्रीज बैडली इफेक्ट होती हैं। बट आफ्टर दैट आप देखोगे 2009 में चाइना WTO ऑफिशियली ज्वाइन करता है। उसके बाद फिर आप देखोगे जो है जो हांगकांग है उसी दौरान, ठीक है, इट रिटर्न टू द चाइनीज रूल आफ्टर 155 ईयर्स ऑफ द ब्रिटिश रूल। तो पूरी हिस्ट्री है चाइना की यहाँ पे कैसे क्या हुआ है। फिर बीजिंग, फिर 2000 के बाद आप देखोगे टेक्निकली चाइना हैज स्टार्टेड दिस प्रोग्रेसिव अप्रोच की उन्हें पूरा दबदबा बना के रखना है पूरे कंट्रीज पे। बट सबसे सिग्निफिकेंट चेंज जो मॉडर्न टाइम में आया है, इसके पहले तक भी आप देखोगे चाइना फिर भी थोड़ा शांत था। जो सबसे अग्रेसिव चीज चालू हुई है चाइना की, वो चालू हुई है आफ्टर 2012 व्हेन शी जिनपिंग कम्स टू पावर एंड ही इज अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। ही क्रैक डाउन ऑन करप्शन एंड सिविल सोसाइटी, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव आता है, मैरीटाइम सिल्क रूट आता है, ठीक है। उसके अलावा जो एक्स सिक्योरिटी चीफ थे जाओ, उनको जो है जेल में डाल दिया जाता है फॉर करप्शन, ठीक है। चाइना जो है फिर अपनी जो वन चाइल्ड पॉलिसी को टू चाइल्ड पॉलिसी से रिप्लेस कर दे रहा है। देन जो बेसिकली ये ट्रांसफॉर्मेशन आया है चाइनीज सोसाइटी में, वो आया है 2012 के बाद, स्पेशली उनकी गवर्नमेंट और उनकी पॉलिसीज में। फिर तो खैर आपको पता ही है, बाकी 1 जुलाई को आप देखेंगे तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो अपने 100 ईयर्स ऑफ एस्टैब्लिशमेंट स्थापना को सेलिब्रेट कर रहा है, सेंटेनरी ईयर सेलिब्रेशन है। तो ये आप एक बार देख लीजिएगा, मतलब मैंने तब भी इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके मेजर इवेंट्स बता दिए,
बट जब आप इंडिया चाइना रिलेशन, तो जब आप हम लोग आईआर की क्लास में इसको कवर करेंगे, जो आईआर का कोर्स है देवियों सज्जनों 6 जुलाई को चालू हो रहा है, 1 to 3 PM टाइमिंग है इस कोर्स की, तो आप लोग फॉलो कर सकते हैं, यू कैन टेक प्लस सब्सक्रिप्शन। तो उसमें ये टॉपिक और बाकी सारे टॉपिक्स बहुत ही डेप्थ में हम लोग कवर करेंगे। नेशनल डॉक्टर्स डे है आज, जैसा मैंने बताया, सेलिब्रेटेड ऑन डिफरेंट डेज ऑन ईच पार्ट ऑफ द कंट्री। इंडिया में हम लोग जुलाई 1 को सेलिब्रेट करते हैं, मार्च 13 US, क्यूबा इन दिसंबर 3, ईरान ऑन ऑगस्ट 23। ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो है ऑब्जर्व करता है, बिकॉज दिस मार्क्स द एनिवर्सरी ऑफ वेरी फेमस नेशनलिस्ट लीडर, चीफ मिनिस्टर, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ, इनफैक्ट सेकेंड चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल, डॉक्टर BC रॉय। इनके नाम पे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, टूर्नामेंट्स होते हैं, सबसे फेमस कह सकते हो डॉक्टर थे, इनके नाम पे नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। एंड ही इज क्रेडिटेड फॉर एस्टैब्लिशिंग मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन लाइक जादवपुर हॉस्पिटल, चितरंजन सेवा एंड कैंसर हॉस्पिटल। तो बहुत सिग्निफिकेंट रोल रहा है BC रॉय साहब का। हाँ, सी एड ए भी वैसे। बाकी ड्रोन एंड फ्लाइंग टॉयज हैव बीन बैंड इन J&K डिस्ट्रिक्ट आफ्टर अटैक। सो जो भी उड़ने वाले ड्रोन हैं छोटे मोटे, सब बैन कर दिया। जाओ अब, जितने भी थे ना इन्फ्लुएंसर्स जा रहे थे, ट्रैवल इन्फ्लुएंसर, ड्रोन शॉट लेंगे, ड्रोन शॉट लेंगे, जम्मू एंड कश्मीर में जाओ, ड्रोन शॉट बंद कर दिया। सो सेक्शन 144 के अंदर बैन लगा दिया है ऑन स्टोरेज, सेल, पोजेशन, यूज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ एनी ड्रोन। आप रखोगे भी तो पकड़े जाओगे, तो या तो रखे हुए तो रखे हो, बाहर मत निकालना आप। तो कोई भी ड्रोन, इवन फ्लाइंग टॉयज को पोजेशन में भी अगर आप पाएंगे तो आपके ऊपर केस हो सकता है। तो देख रहे हो, अब दिस इज द नेक्स्ट बिग थ्रेट इन इंडिया। और अगर कोई गवर्नमेंट एजेंसी भी यूज कर रही है ना, उन्हें पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि भाई हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के हैं। तो शादियों वादियों में जो शॉट लेते थे वो तो जम्मू एंड कश्मीर में तो होगा नहीं अब, तो वो तो आप देखो खत्म ही हो गई बात। बाकी ट्विटर को नोटिस चला गया है रिगार्डिंग पोर्नोग्राफिक कंटेंट ऑन देयर साइट, स्पेशली इट वाज बाय अ कंप्लेंट फाइल बाय द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। तो अब देखिए क्या हुआ है कि ट्विटर पे भी आप देखोगे रैंडम ब्लॉगर्स हैं, साइट है, और उसमें क्या होता है कि आप देखोगे इसमें पोर्नोग्राफिक कंटेंट कहीं ना कहीं आ गया, एंड इसीलिए वजह से इनके कंप्लेंट फाइल, इनफैक्ट इनके MD के खिलाफ ही फाइल हो गया, एंड गाजियाबाद पुलिस ने फाइल किया था। सो इसमें आप देखोगे इट इज अ वायलेशन ऑफ द पॉस्को एक्ट, एंड 2019 में ऑलरेडी कंपनी हैड लॉन्च द फीचर, जहां पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ और NGO के साथ इन्होंने ब्लैक लिस्टिंग की थी ऑफ मेजर साइट्स एंड कंटेंट जहां पे पोर्नोग्राफिक कंटेंट दिखाया जाता है। ठीक है, बाकी गूगल ने ये पोस्ट किया है, डेटा दिया है कि उन्होंने मोर देन 59,350 पीसेज ऑफ कंटेंट जो है रिमूव किया फ्रॉम इट्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इन अप्रैल लास्ट इटसेल्फ, फॉलोइंग द कंप्लेंट्स बाय 27,000 रिपोर्ट्स दैट वर कंप्लेंट रिसीव्ड बाय द इंडिविजुअल्स। तो ये इंटरमीडिएट रूल्स में आपको पता होगा सरकार ने बोला है कि जो एक कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करना है और उनको इनको बेसिकली जितना जल्दी हो सके इसको निस्तारण करना है, वेव ऑफ करना है, पूरा इन्वेस्टिगेशन करके पोस्ट हटानी पड़ेंगी। तो इन्होंने बताया कि लास्ट अगर आप देखोगे अप्रैल महीने में इन्होंने मोर देन 59,350 पोस्ट हटाए बाय कंप्लेंट्स फ्रॉम डिफरेंट यूजर्स। सो द प्लेटफॉर्म ऑल्सो नीड्स टू मेंशन द नंबर ऑफ स्पेसिफिक कम्युनिकेशन लिंक और पार्ट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन दे हैव रिमूव्ड, एंड अबाउट 96% जो कंप्लेंट्स रिसीव थी वर रिलेटेड टू इश्यूज ऑफ कॉपीराइट फॉलोड बाय ट्रेडमार्क, डिफेमेशन, लीगल काउंटरफेंट एंड सर्कमवेंशन। बाकी आपको याद होगा ग्रीन पास को लेके इशू हुआ है। ग्रीन पास इज बेसिकली दिस वैक्सीन पासपोर्ट का जो इशू है। तो इंडिया में जो ये AstraZeneca को जो आपकी वैक्सीन है कोविशील्ड, पहले इसको अलाउ किया था बट अब यूरोपियन यूनियन ने इसको मना कर दिया। तो यूरोपियन यूनियन ने ये वैक्सीन पासपोर्ट में जो ग्रीन पास था, तो जो अब कोविशील्ड लगाएगा उनको ट्रैवल करने की परमिशन नहीं है अभी। तो अब ये बोल रहे हैं कि ये दे विल टेक अप द मैटर विद द हाईएस्ट अथॉरिटी। तो अभी इंडिया भी बात कर रहा है कि कोविशील्ड जो सेरम इंस्टीट्यूट ने बनाया हुआ है इसमें पाया जा रहा है कि देर आर कंसर्न्स रिगार्डिंग इट, तो अभी इसको अप्रूवल नहीं मिला है। वहीं पे आप देखोगे कोवैक्सीन को लेके ये आया है कि कोवैक्सीन शायद जो है अल्फा और डेल्टा वेरियंट, ठीक है, अल्फा और डेल्टा वेरियंट में आप देखोगे दोनों के खिलाफ ही एफिशिएंट है। खैर वो चीज तो अलग है, मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज बताता हूँ जो मैंने कल दिखानी थी आपको, मतलब मैंने शाम को स्पेशल क्लास में दिखाया था जब मैं बोल रहा था आप लोगों को कि बाहर मत निकलिएगा और बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। और इस वजह से आप देखोगे
की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आप लोगों के लिए। देखो सो व्हाट आई वाज टेलिंग यू इज दैट रशिया में, अभी देखो रशिया में सब चीज ओपन करके रखा हुआ था, अभी यूरो चल रहा है वहां पे उसके आसपास। रशिया में थर्ड वेव आ चुका है, और पता कौन सा आया है? डेल्टा वेरिएंट आया है, जो इंडिया में था, जिसने इंडिया के सेकेंड वेव में हैवॉक क्रिएट किया था। रशिया में डेल्टा वेरिएंट आ चुका है थर्ड वेव में। आप विश्वास नहीं करोगे, एक दिन में 400 लोगों की तो मॉस्को में डेथ हो रही है, सिर्फ मॉस्को मॉस्को में, और मोर देन 20,000 केसेस हैव बीन रिपोर्टेड इन रशिया इटसेल्फ। हर दिन थर्ड वेव आ चुका है वहां पे, और वो डेल्टा वेरिएंट से आया है। इंडिया में ऑलरेडी डेल्टा प्लस जो है वो रिकॉर्ड हो चुका है। रशिया इन ग्रिप्स ऑफ थर्ड वेव एज डेल्टा वेरिएंट टेक्स फुट। तो अभी आप देखो मार्केट में कितनी भीड़ हो रही है, आपको क्या लगता है वो म्यूटेट नहीं करेगा वायरस? आप देखिए कितना बुरा हाल है, मतलब वहां पे लोग मॉस्को में, मतलब मेन शहर में लोगों की हालत खराब है। तो वहां पे कुछ लोग बोल रहे हैं लॉकडाउन कर देना चाहिए। अभी भी कुछ लोग देखो मास्क नहीं लगाए हुए हैं। इंडिया में भी है, इंडिया में भी आप देखोगे पीपल आर नॉट दैट सीरियस, अभी भी उन्हें लग रहा है कि सब हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, अभी भी लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं। तो अभी अफ्रीकन यूनियन और बहुत सारी कंट्री ने प्रोटेस्ट लेटर लिखा है कि व्हाई दिस हैज बीन पुल्ड डाउन, इसको कोविशील्ड को क्यों हटाया, इसको लगे रहना चाहिए था, और ये बैकबोन है कोवैक्स अलायंस प्रोग्राम का, कोविशील्ड इज अ पार्ट ऑफ कोवैक्स प्रोग्राम ऑल्सो। बाकी इंडिया और नेपाल के बीच में एमओयू साइन किया गया है इन द फील्ड ऑफ हेल्थ रिसर्च। सो दिस हैज बीन साइन बिटवीन आईसीएमआर एंड द नेपाल हेल्थ रिसर्च काउंसिल। जो ऑब्जेक्टिव है इसका बेसिकली इज ऑन द कोलैबोरेशन ऑन जॉइंट रिसर्च फॉर आयुर्वेदा ट्रेडिशनल मेडिसिन, वेक्टर बॉर्न डिजीज लाइक डेंगी चिकनगुनिया जापानीज एनसेफेलाइटिस इन्फ्लुएंजा, इन सब चीजों के लिए साथ में आईसीएमआर से मिलके हमारे छोटे भाई नेपाल भाई साहब जो है उनकी हम हेल्प करेंगे। बाकी भारत बायोटेक ने स्टेटमेंट इशू किया है, आपको याद होगा कल मैंने बताया था बोल्सोनारो साहब के ऊपर कुछ एलिगेशंस लग रहे हैं ब्राजीलियन प्रेसिडेंट के, कि इन्होंने शायद कुछ किकबैक लेके भारत बायोटेक की जो वैक्सीन है उसको इन्होंने ब्राजील में लिया है। तो वो बेसिकली देखिए क्या है, ये वेस्टर्न प्रेशर है बहुत ज्यादा, वो चाहते थे कि ब्राजील जो है अमेरिका और बाकी किसी कंट्री की वैक्सीन ले, बट मेड इन इंडिया वैक्सीन ले ली उन्होंने, तो उनके ऊपर अब एलिगेशन लग रहा है कि इन्होंने पैसा खाया है। तो अब इसमें भारत बायोटेक बोल रहा है कि पूरा ड्यू प्रोसेस फॉलो हुआ था, ऐसा कोई एडिशनल फेवर नहीं दिया गया है, सर सारी चीजें जो प्रोसीजर है वो उसी हिसाब से की गई है। सो ब्राजीलियन हेल्थ मिनिस्टर जो मार्सेलो है क्वेरोगा अनाउंसिंग द सस्पेंशन ऑफ दिस डील $324 मिलियन इंडियन वैक्सीन कॉन्ट्रैक्ट इन द वेक ऑफ एलिगेशन। तो अब ये डील उन्होंने मना कर दिया, कैंसिल कर दिया, विच इज अ बिग सेटबैक फॉर इंडिया एंड मेड इन इंडिया वैक्सीन। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर है। अभी इंडिया की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं गया है, क्योंकि दिस इज एन अग्रीमेंट बिटवीन एन इंडियन कंपनी एंड अ फॉरेन कंट्री। तो इंडिया अगर डायरेक्टली इंटरवीन करेगा तो ऐसा लगेगा कि इंडिया का कुछ इनहेरेंट इंटरेस्ट है, बट आई थिंक इंडिया इसमें स्टेटमेंट इशू करेगा, क्योंकि है तो ऑफकोर्स इंडियन कंपनी, और इंडियन कंपनीज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना सरकार की भी जिम्मेदारी है। नाउ दिस वैक्सीन व्हिच हैव बीन प्राइस्ड बाय $15 to $20 पर डोज, ये जो बाहर की सरकार है उनके लिए ये प्राइस था, बट अब वो क्या बोल रहे हैं कि जानबूझ के इसको महंगा बनाया गया ब्राजील में, और ब्राजील में ज्यादा पैसा लिया जा रहा है, बेसिकली करप्शन और करप्शन के एलिगेशंस लगे हैं। बाकी कैबिनेट ने क्लियर किया है वायबिलिटी गैप फंडिंग फॉर भारत नेट। सो यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव द वायबिलिटी गैप फंडिंग फॉर ऑलमोस्ट 19,000 करोड़ के आसपास, जो भारत नेट डिजिटाइजेशन का प्रोग्राम है अंडर द पीपीपी रूट फॉर 16 स्टेट्स। तो इन 16 स्टेट्स में आप देखोगे इसको इस प्रोजेक्ट को एनहांस करने के लिए एडिशनल फंडिंग दी जा रही है। तो ऑलमोस्ट 3.61 लाख विलेजेस इंक्लूडिंग ग्राम पंचायत वुड बी कवर्ड बाय भारत नेट। तो डिजिटल ब्रॉडबैंड उन सब चीजों को लेके, कॉमन सर्विस सेंटर को कनेक्ट करने के लिए एवरीथिंग विल बी लिंक्ड। सो एक्सटेंशन ऑफ भारत नेट टू ऑल द इनहैबिटेड विलेजेस विल इनेबल बेटर एक्सेस टू ई सर्विसेज ऑफर्ड बाय वेरियस गवर्नमेंट, इनेबल ऑनलाइन एजुकेशन, टेलीमेडिसिन। आज के टाइम पे
स्पेशली कोविड के टाइम पे तो बहुत ज्यादा जरूरत है ऑनलाइन कंसल्टेशन टेलीमेडिसिन की। गुंजन वो इंडियन वैक्सीन नहीं, वो किसी भी कंट्री के खिलाफ है जहां पे वो कंट्री सुपर पावर इमर्ज होने की कोशिश करेगा। तो जब मैंने पहले भी आपको बताया था कि इंडिया जो है, जब हम यूएनएससी रिफॉर्म की बात करते हैं, मैंने आपको पहले भी चीज बताई है कि हमें बड़ा रियलिटी से अवगत होना पड़ेगा कि जब हम यूएनएससी रिफॉर्म की बात कर रहे हैं कि हमें लेट्स से हम जो मान रहे हैं कि हमें यूएस फेवर करेगा, फ्रांस फेवर करेगा, ठीक है, यूके फेवर करेगा, इधर से रशिया है, P5 मेंबर्स और चाइना है, ये 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। अगर हमें ये लगता है कि यूएस कर देगा, यूके कर देगा, तो हम शायद रियलिटी से अभी दूर हैं। एक ही कंट्री है जो शायद ऑफिशियली जिस दिन वोटिंग का टाइम आएगा ना, उस दिन बात करेंगे, जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन शायद सिर्फ फ्रांस फेवर करेगा, ये तो बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि इनकी रोटी चलती है हमारे पाकिस्तान और इंडिया वॉर पे, इनके डिफेंस प्रोजेक्ट चलते हैं हमारे उसके बेसिस पे, इनका भी इनहेरेंट इंटरेस्ट है। रशिया के बारे में यस नो मे भी हम कुछ नहीं कह सकते, रशिया का कुछ पता नहीं चलता। कभी चाइना, चाइना तो बिल्कुल देखो अगेंस्ट वोट करेगा, चाइना कभी नहीं करेगा। यूके का भी अपना खुद का इंटरेस्ट है। अब आप सोचो जिसने हमें कॉलोनाइज किया उतने साल से, उसको खुद उनकी खुद ईगो हर्ट होती होगी जब उन्हें लगता होगा कि इंडिया उनसे बहुत आगे निकल गया है। तो जब बात आएगी रियल में कि कौन सी कंट्रीज हमें यूएनएससी रिफॉर्म के टाइम पे सपोर्ट करेंगी, तो ना ये करेगा और ना ये करेगा। फ्रांस फिर भी कर सकता है क्योंकि फ्रांस का हमारा डायरेक्ट कोई लॉस नहीं है फ्रांस से, ना फ्रांस को कोई घाटा है हमारे सुपर पावर बनने से, उनको तो फायदा ही है बल्कि। तो टेक्निकली 4 आउट ऑफ 5 कंट्रीज विल नॉट सपोर्ट इंडिया, दैट इज द हार्श रियलिटी वी हैव टू अंडरस्टैंड। एंड इन इवन टू सम एक्सटेंट पीपल डू अंडरस्टैंड इट, नेक्स्ट 5-6 साल तक होना बहुत मुश्किल है। तो इस वजह से आप देखोगे जब भी इंडिया की वैक्सीन या इंडिया किसी चीज में आगे निकल रहा होगा, तो वही होता है ना जैसे रिश्तेदार होते हैं आपके, या जो ऐसे दोस्त होते हैं जो लगते हैं दोस्त हैं बट एक्चुअली में दोस्त होते नहीं है, दे आर देयर टू जस्ट पुल यू डाउन, वैसे ही लोग हैं इनके, इनका वही हिसाब है कि जब समय आएगा तो शायद ये लोग पीछे हट जाएंगे। दीज आर नॉट पीपल हु वी कैन रिलाई ऑन बिकॉज इट्स ऑल इंटरनेशनल। सर क्या है, सब सौदा है, हर कंट्री की स्ट्रैटेजी, उसकी सिक्योरिटी सब डिपेंडेंट है ऑन ट्रेड। इंडिया को ये लोग ये इसलिए इतना फेवर करते हैं बिकॉज दे नो भाई इंडिया इज द बिगेस्ट मार्केट, उनको भी फायदा हो रहा है इसलिए है। जब तक फायदा है तब तक रिलेशन है। दिस इज इंपॉर्टेंट, चाइना जो है वो मलेरिया फ्री डिक्लेयर हो गया है बाय WHO ऑन जून 30th, आफ्टर 70 ईयर से कोशिश कर रहे थे। अब यू नो चाइना इज अ एरिया जहां बारिश होती है काफी ईस्टर्न सेक्शन में, प्लस चाइना में भी आप देखोगे नदियां हैं इंपॉर्टेंट और लो लाइंग फील्ड प्लेन एरियाज है जहां राइस कल्टीवेशन सबसे ज्यादा होता है, तो जहां पे स्टैग्नेंट वाटर होगा आपको पता है वहां पे मलेरिया होने के पूरे चांसेस है। बट फाइनली आप देखोगे चाइना ने सर्टिफिकेट मिल गया है इनको, चाइना हैज बिकम द 40th टेरिटरी टू गेट मलेरिया फ्री स्टेटस। आपको पता है, डू यू थिंक इंडिया इज मलेरिया फ्री? आपको लगता है इंडिया मलेरिया फ्री है? कितने लोगों को लगता है कि इंडिया मलेरिया फ्री है? आपको पता हमारी नेबरिंग कंट्री श्रीलंका को डिक्लेयर किया गया है लास्ट टू लास्ट ईयर। हर दिन तो सर केस आते हैं मलेरिया के, आप देखो। इंडिया ने जो आप देखोगे मलेरिया फ्री स्टेटस अचीव करने के लिए बहुत टाइम से एफर्ट कर रहे हैं। हमारी नेबरिंग कंट्रीज मालदीव्स को मिला मलेरिया फ्री स्टेटस, उसके बाद देखो श्रीलंका को 2016 में मिला मलेरिया फ्री स्टेटस, बट इंडिया में आप देखो मलेरिया फ्री स्टेटस मिलने में अभी भी टाइम है, ठीक है। और अभी आप देखो अभी बारिश होगी, अभी देखना मानसून में मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगी सब होगा अभी यहाँ पे लोगों को, और उसके ऊपर से कोविड। तो इंडिया अभी कोशिश कर रहा है, वो भी बहुत एफर्ट कर रहा है। सोचो चाइना ने अचीव कर लिया अभी चाइना, अच्छा वैसे मुझे चाइना पे ज्यादा भरोसा है नहीं, चाइना और WHO दोनों पे ही अगर आप देखोगे टेक्निकली आज के टाइम पे ट्रस्ट फैक्टर थोड़ा कम है, क्योंकि एक तो चाइना ये WHO ये बोलता है कि पहले वुहान वायरस चाइना से आया है, फिर बोलता है कि नहीं वहां से नहीं आया। तो WHO ने सर्टिफाई कर दिया चाइना के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि चाइना एक तो बहुत बड़ी कंट्री, अब इन्होंने सर्टिफाई कैसे कर दिया वो भी अलग बात है, चलो मान लेते क्योंकि हमें तो एग्जाम में मार्क करना पड़ेगा, बट रियलिटी शायद कुछ और है।
वो देखेंगे, पता चलेगा बाद में। बाकी बिकॉज ऑफ पैंडेमिक सर्विसेज सेक्टर सबसे ज्यादा बैडली अफेक्टेड थे, तो आप देखोगे टूरिज्म सेक्टर का सबसे बड़ा लॉस जो है लगभग $4 trillion के आसपास है। इंटरनेशनल टूरिज्म बहुत ज्यादा कोलैप्स कर चुका है। अब आप देखो रशिया में थर्ड वेव आ गई, वो बेचारे थोड़ा बहुत टूरिज्म को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे थे बाय सेइंग कि जो भी वहां पे आएगा उनको स्पुतनिक वैक्सीन, स्पुतनिक वी लगाई जाएगी। और बट अब देखो वहां पे तो वेव आ गया, तो मुझे लगता है अब तो लॉकडाउन होने वाला है, तो खैर क्या ही होगा वहां पे। और इंडिया एक्सपीरियंस अ 54% ड्रॉप ऑन टूरिस्ट अराइवल्स इन 2020 अकॉर्डिंग टू द COVID-19 एंड टूरिज्म अपडेट। तो UNTAGD एंड जो WTO UNWTO की जो रिपोर्ट है, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें बताया गया। एंड 2023 तक आप देखोगे प्री कोविड लेवल, अभी दो साल और सर, जो कोविड ने जितना बर्बादी करी है सेक्टर की, 2002 साल और लगेंगे शायद उस लेवल तक जाते हुए, वो भी तब है जब और कोई वेव आके डैमेज ना करे। सो ड्रॉप इन टूरिस्ट सेल्स लीड्स टू 2.4 लॉस इन रियल GDP एंड डेवलपिंग कंट्रीज कुड अकाउंट फॉर 60% ऑफ दीज लॉसेस ओइंग टू एसिमेट्रिक वैक्सीन रोल आउट। इंडिया का तो सर्विसेज सेक्टर मेन है, सर्विस सेक्टर सबसे बड़ा सेक्टर है इंडिया में। टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री इंडिया की, चाहे मेडिकल टूरिज्म हो या नॉर्मल टूरिज्म हो, कल्चरल टूरिज्म हो। अपने यहाँ थर्ड वेव आएगी सर, मैं बता रहा हूँ आपको, थर्ड वेव आएगी। आप ज्यादा मत देखो, जुलाई एंड या मिड ऑफ अगस्त आप याद रख कर लेना, आज 1 जुलाई है, जुलाई एंड क्या आप देखना अगस्त से केसेस राइज करना चालू करेंगे, थर्ड वेव इमिनेंट है। रशिया में आ गई तो हमारे यहाँ कैसे नहीं आएगी, हमारे यहाँ तो सारे वेरियंट का तो म्यूटेशन हो गया है। वो बस एक ही सोल्यूशन है, जितना जल्दी लोग वैक्सीनेट हो जाएंगे बेटर है, हम लोग उतना प्रोटेक्टेड रहेंगे, क्योंकि अभी तक ये देखा जा रहा है कि कोवैक्सीन जो है शायद डेल्टा वेरिएंट और डेल्टा प्लस के खिलाफ रेजिस्टेंट है। और वैसे भी वैक्सीन लगा लेने से क्या होता है कि आपकी बॉडी में सीवियर इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं, मतलब हॉस्पिटलाइजेशन के चांसेस कम रहेंगे। बाकी UN चीफ ने भी बोल दिया है अब कि भाई ईरान के खिलाफ सैंक्शंस जो है वो अब हटा दो, मतलब काफी टाइम हो गया, जाने दो, ठीक है उनको, अब बेचारों को जाने दो, अब काफी टाइम से वो डिमांड कर रहे हैं। इससे क्या होगा, थोड़ा पीस एंड स्टेबिलिटी बढ़ेगी इस रीजन में। सो UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस हैज अपील टू US प्रेसिडेंट जो बाइडेन टू लिफ्ट और वेव ऑल द सैंक्शंस ऑन ईरान, क्योंकि उन्होंने ईरान ने बोल दिया है वी विल कंप्लाई टू द ऑर्डर। प्लस इब्राहिम राइसी जो को अब नए प्रेसिडेंट आ गए हैं, तो वो भी वैसे भी हार्ड लाइनर है, सो इंस्टेड की कॉन्फ्लिक्ट और बढ़े तो कॉन्फ्लिक्ट को कम करने की कोशिश करनी चाहिए। एंड ईरान हैज ऑल्सो रिफाइंड ऑलमोस्ट यूरेनियम अप टू 60%, फार अबव द डील 3.67% की थी। अब उसको लेके IAEA इंस्पेक्टर्स बोल रहे हैं कि वी विल ट्राई एंड मैनेज, बट कहीं ना कहीं इस एरिया में पीस एंड स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी है कि ये ईरान न्यूक्लियर डील को साइन किया जाए, दोबारा रिवाइव किया जाए, और US मेजरली इसको अग्री करे, तब जाके यूरोप और बाकी कंट्रीज सैंक्शन हटाएंगी एंड नेटो कंट्रीज सैंक्शन हटाएंगी, एंड उससे क्या होगा, ट्रेड अगर बढ़ेगा, क्योंकि देखो ईरान के लोग सफर कर रहे हैं इस चक्कर में, ईरान के इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हाई है, ईरान में प्राइसेस बहुत ज्यादा हैं, डेवलपमेंट हो नहीं रहा है, एंड वो कहीं ना कहीं वो प्रेशर जो है वो उनके लीडर्स पे आता है, तो दे रिएक्ट बाय यू नो दीज अटैक्स एंड टेरर अटैक्स। तो अगर सैंक्शंस हटेंगे, लोगों का ही फायदा होगा, एंड इवेंचुअली ईरान के जो लीडर्स है उनका थोड़ा हार्डलाइन अप्रोच भी कम होगा, इट इज गुड फॉर द इंटायर रीजन ऑल्सो। बाकी फिस्कल डेफिसिट जो है वो आपका जो 8.2% पे आ गया है, तो इंडिया का फर्स्ट 2 मंथ्स में अगर आप देखोगे जो फिस्कल डेफिसिट टोटल नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ बोरोइंग कितनी चाहिए सरकार को, तो वो जो है आप देखोगे स्पेंडिंग जो है एंड ऑफ मे में थोड़ी कम हुई है सरकार ने थोड़ी स्पेंडिंग कम, खर्चे कम किए हैं, एंड कैपिटल स्पेंडिंग कॉन्ट्रैक्टेड बाई 41% मे आफ्टर अ शार्प अपटेक इन अप्रैल। एंड सिमिलरली द चेंज इन RBI's अकाउंटिंग ईयर फ्रॉम अप्रैल टू मार्च हैड एडवांस द रिलीज ऑफ इट्स डिविडेंड पेमेंट पुशिंग अप नॉन टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन टू 47.9। इनफैक्ट अभी आप देखोगे न्यूज आई है कि पहली बार इंडिया का आप देखोगे करंट अकाउंट सरप्लस आया है इन 17 ईयर्स, दैट्स अ बिग डील। करंट अकाउंट सरप्लस है हमारा, सरप्लस मतलब हमारे इम्पोर्ट कम है देन एक्सपोर्ट, अब देखो 17 ईयर्स में, ऑब्वियसली बात है ना, सबसे बड़ा इम्पोर्ट क्या होता हमारा, ऑयल, कम करना पड़ा हमें ऑयल बिकॉज डिमांड ही नहीं थी, सब जगह लॉकडाउन लगा हुआ था, गोल्ड कोई खरीद ही नहीं रहा, शादी वादी हो ही नहीं थी, फंक्शन ही नहीं हो रहे, गोल्ड क्या खरीदेंगे, गोल्ड ही नहीं खरीदा लोगों ने, इंडस्ट्री चल नहीं रही है, जेम्स एंड ज्वेलरी इंपोर्ट करते हैं, ग्लोबली डिमांड कम हो गई, तो ऑब्वियसली बात है। तो अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया प्रीलिम्स के लिए दैट इंडिया हैज अकाउंटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन करंट अकाउंट ट्रेड सरप्लस। इनफैक्ट मैं आपको दिखा देता हूं, रुको,
करंट अकाउंट सरप्लस फॉर द फर्स्ट टाइम, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज फॉर एग्जाम सर एंड मैम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Reduce import demand. ठीक है जी, तो ये याद रखिएगा। बाकी सेमी ने थोड़े इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को लेकर नॉर्म्स मॉडिफाई किए हैं तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस को बेटर करने के लिए। सो अंडर द एमेंडेड रूल्स 1 ईयर कोडिंग पीरियड विल बी गिवन फॉर एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ट्रांजिशन टू अ होल टाइम डायरेक्टर। तो इससे क्या होगा, जो थोड़ा ये किंगफिशर टाइप जो स्कैम हुआ है कि पूरा कंट्रोल जो है डायरेक्टर अपने पास रख ले, सीईओ अपने पास रख ले, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अगर फुल टाइम डायरेक्टर बनेंगे तो उनको एक साल का पहले वेटिंग पीरियड होगा। उसके अलावा जो रेजिडेंट इंडियन फंड मैनेजर्स है, दे हैव बीन अलाउड टू बी कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द पोर्टफोलियो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स टू अमेंड म्यूचुअल फंड रूल्स। तो बेसिकली ओवरऑल पूरे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के स्ट्रक्चर को और एफिशिएंट बनाने के लिए सेबी अपने रूल्स चेंज करता रहता है, तो उन्होंने रिसेंटली इसको मॉडिफाई किया है। बाकी नॉन फूड बैंक क्रेडिट ग्रोथ इजेस टू 5.9% आरबीआई का डेटा है। नॉन फूड बैंक क्रेडिट मतलब उन सब एरियाज में जो क्रेडिट दिया गया जो नॉन फूड रिलेटेड सेक्टर्स हैं, उसका जो ग्रोथ है वो स्लो डाउन हो गया टू 5.9%। तो क्रेडिट टू एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज कंटिन्यू टू परफॉर्म वेल, रजिस्टरिंग एन एक्सेलरेटेड ग्रोथ ऑफ 10.3%। एंड बाकी माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज को था वो 5% था, सर्विस सेक्टर को था कम हो गया, बिकॉज सर्विस सेक्टर में कोई डिमांड ही नहीं कर रहा, जब कुछ चल ही नहीं रहा तो क्या करेंगे। इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर के लोन के जो डिमांड सेक्टर है वो कम हो गए। नहीं, फेक वाला सरप्लस नहीं होता। देखो मैंक, ऑब्वियसली वी कैन ऑलवेज डिबेट दिस फैक्ट कि ये फेक है रियल सरप्लस है। सरप्लस तो सरप्लस होता है। आप ये बोल सकते हो कि जो सरप्लस है वो इंपोर्ट को रिड्यूस करने से हुआ है, एक्सपोर्ट बढ़ाने से नहीं हुआ है। बट ऐसा नहीं है, एक्सपोर्ट भी बढ़ा है चीजों का, वो अलग चीजों में बढ़ा है। तो कंपैरेटिवली एक्सपोर्ट हैज ऑल्सो रिजन, स्पेशली किसका, वैक्सीन का, तो हो ही रहा है, वैक्सीन का हो रहा है सर, पीपी किट्स का हो रहा है, जिस चीजों को हम पहले एक्सपोर्ट नहीं करते थे अब उनको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मेडिसिनल इक्विपमेंट्स, मेडिकल इक्विपमेंट हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है एक्सपोर्ट बढ़ा है, बट हाँ, व्हेन यू कैन से कंपैरेटिवली इंपोर्ट ज्यादा कम हुआ एज कंपेयर टू एक्सपोर्ट्स, सो दैट हैज रिजल्टेड इनटू द ट्रेड अकाउंट करंट अकाउंट सरप्लस। बाकी एशियन कोल प्लांट ड्राइव थ्रेटन्स क्लाइमेट गोल, तो ये बता रहे हैं जितनी भी आप कंट्रीज हैं, चाहे इंडिया, जापान, इंडोनेशिया, वियतनाम, जापान, ये सब क्या है, कोल पावर प्लांट बना रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो हमारा टारगेट है ऑफ रिड्यूसिंग ग्लोबल वार्मिंग वो कहीं ना कहीं इससे इफेक्ट होगा। सो ये जो पेरिस क्लाइमेट डील के अंदर हम कोशिश कर रहे हैं कम करने की, लेकिन अभी क्या है, अब देखो ना थोड़ा सा ग्लोबल वार्मिंग में आप देखोगे, नोटिस करोगे थोड़ा राइज होगा। क्यों राइज होगा, आप खुद ही ऑब्जर्व कर सकते हो। दिल्ली नोएडा में तो भाई साहब बुरा हाल हो चुका है, दो दिन से हम परेशान हैं, 43-44 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है, छत हो जाती है उबल, एसी भी काम करना बंद कर देता है, एसी भी ऑलमोस्ट फेल हो गया है, काम ही नहीं करता, इतनी ज्यादा गर्मी होती है। और आप देखो इस वजह से क्या है कि बारिश होनी रही है, सब जगह बारिश हो रही है, लेकिन इधर ही बारिश का जो आपका देखो बादल ही नहीं आ रहे। और कनाडा में 49 डिग्री सेंटीग्रेड चला गया टेम्परेचर, वो भी क्या आपका देखो अर्बन हीट आइलैंड जैसा जो है वो सिचुएशन क्रिएट हो गई। तो अब क्योंकि इन्होंने टारगेट किया हुआ इन कंट्रीज ने कि हम लोग जो है वी विल ट्राई एंड पीक बाय 2030-2040 तक, अलग अलग कंट्रीज ने पीक करने की बात की है, वो उस केसेस में क्या करेंगे, अभी उसको पीक करेंगे, जितना ज्यादा बना सकते हैं उतना बनाएंगे, एंड दैट इज व्हाई इट विल रिजल्ट इन अ प्रॉब्लम। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट वन सेकेंड, तो अभी अगर आप देखोगे कनाडा में, ये कनाडा और इसके आसपास के एरिया में आप देखो हीट वेव डेवलप हो गई। तो हीट वेव के बारे में हमने पहले भी बात की थी, अभी हम देखेंगे एक इंफोग्राफिक देखेंगे, पहले ये खत्म करते हैं, लास्ट टॉपिक है आज का। सो कंट्रीज दैट अलाउ जेंडर आइडेंटिफिकेशन, तो अभी क्या हुआ, स्पेनिश गवर्नमेंट ने मंगलवार को ट्यूजडे को अप्रूव किया है फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ अ बिल दैट वुड अलाउ एनी वन ओवर द एज 14 टू लीगली चेंज जेंडर।
एंड विदाउट मेडिकल डायग्नोसिस। इंडिया में अलाउड नहीं, इंडिया में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देना होता है। सेल्फ जेंडर आइडेंटिफिकेशन नहीं है यहाँ पे। सो बिल विल नाउ गो टू अ पब्लिक हियरिंग एंड विल कम फॉर अ सेकेंड रीडिंग इन द नेशनल कैबिनेट। तो इसके लिए क्या होता है, इनको लोअर हाउस ऑफ द स्पेनिश पार्लियामेंट में इनको वोटिंग चाहिए होती है। सो करंटली फॉर समवन टू चेंज देयर जेंडर इन ऑफिशियल रिकॉर्ड द लॉ फर्स्ट रिक्वायर्स 2 years ऑफ हार्मोन थेरेपी एंड अ साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन। ये सब खत्म हो जाएगा। तो ये जो लॉ है इससे क्या हो जाएगा, ये साइकोलॉजिकल थेरेपी हार्मोन थेरेपी करना का कोई क्राइटेरिया नहीं रहेगा। दोज बिटवीन द एज ऑफ 14 एंड 16 हाउएवर वुड रिक्वायर पेरेंटल अप्रूवल। सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है, दैट पर्सन विल बी अलाउड लीगली बताने के लिए कि वो मेल है फीमेल है या ट्रांसजेंडर है, एंड कोई उसके लिए मेडिकल टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। और काफी टाइम से आप देखोगे LGBTQ कम्युनिटी ट्रांस की कम्युनिटी की ये डिमांड रही है। इन यूरोप दिस इशू हैज रिमेंड डिसाइसिव। मतलब आप सोचो लिटरली वोट बैंक है बहुत बड़ा ये वहां पे यूरोप में। तो ये सो इंडिया में क्या प्रोसेस है, इंडिया में जो ट्रांसजेंडर्स एक्ट आया है और ट्रांसजेंडर्स प्रोटेक्शन रूल है 2019 का एक्ट और 2020 का रूल है, इसके अंदर आप देखोगे एन एप्लीकेशन हैज टू बी मेड टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, पेरेंट कैन ऑल्सो मेक दैट एप्लीकेशन। अब इसमें क्या है, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन जो है वो इंडिया में नहीं होता है। एंड दिस वाज सबमिटेड इन द फाइनल रूल व्हिच स्टेट दैट द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट विल सब्जेक्ट टू द करेक्टनेस ऑफ द एप्लीकेशंस पर्टिकुलर्स गेट द एप्लीकेशन प्रोसेस्ड बेस्ड ऑन द एफिडेविट सबमिटेड डिक्लेयरिंग द जेंडर। सो एज पर द रूल द स्टेट गवर्नमेंट्स हैव आल्सो बीन डायरेक्टेड टू कॉन्स्टिट्यूट वेलफेयर बोर्ड्स फॉर द ट्रांसजेंडर पर्संस एंड प्रोटेक्ट देयर राइट एंड इंटरेस्ट एंड फैसिलिटेट एक्सेस टू स्कीम्स एंड वेलफेयर मेजर फ्रेम्ड बाय द सेंटर। तो इंडिया में अभी इतना ओपन नहीं हुई सोसाइटी, अभी थोड़ा इंडिया में थोड़ा अभी इट विल टेक सम टाइम। बाकी लेट मी शो यू वन इंफोग्राफिक्स, उसके बाद फिर हम लोग एंड करेंगे। हीट वेव कनाडा में क्या है कि सर हीट वेव यहां आ गई है इंडिया में। हाँ जी, तो आप देखिए ये है हमारा जो कनाडा में आया है, आप देखो हीट वेव। सो वेस्टर्न कनाडा, वेस्टर्न जो अमेरिका है, आप देख रहे हो कितना ज्यादा हीटेड अप है ये। एस्टाउंडिंग हीट ऑब्लिटरेट्स ऑल टाइम रिकॉर्ड्स ऑफ द पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट कनाडा इन जून 21। नॉट जस्ट ब्रेकिंग द रिकॉर्ड एंड स्मैशिंग देम ओवर इनक्रेडिबली हॉट 4 day पीरियड। आप देख रहे हो ये मैक्सिमम टेम्परेचर। सबसे बड़ा रीजन क्या है, हाई प्रेशर का डेवलपमेंट। द मोस्ट डायरेक्ट कॉज ऑफ दिस ब्लिस्टरिंग हीट वाज द हाई प्रेशर सिस्टम स्ट्रॉन्गर देन एवर ऑब्जर्व्ड इन द रीजन दैट सैट ओवर द रीजन फॉर सेवरल डेज। अकॉर्डिंग टू द हीट इन सम लोकेशंस एज द प्रिवेलिंग विंड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऑलवेज ब्लॉक्स द क्लॉकवाइज अराउंड द हाई प्रेशर ड्यू टू द टोपोग्राफी ऑफ द रीजन माउंटेन्स एंड हाई प्लेटोज इजिली। आप देखोगे जो ईस्टर्ली विंड्स हैं दे ब्रिंग एयर फ्रॉम हाई एलिवेशन टू लोअर एलिवेशन व्हिच कॉजेस इट टू कंप्रेस एंड हीट अप। These winds are called as downward slope. तो अभी थोड़ा आपको समझने के लिए सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, उसके लिए हम लोग पेन बना के आपको अच्छे से समझाएंगे। देखिए क्या होता है, वेस्टर्न एरिया जो है यूएस का और नॉर्थ अमेरिका जो आप देखोगे, ये कनाडा जो सेक्शन है ये आपको पता है यहाँ पे रॉकी माउंटेन्स है ना, पूरी रेंजेस है यहाँ पे। कनाडा भी हो गया, इधर पूरा रॉकीज है, कैस्केड रेंज, अलास्का रेंज, ब्रुक्स रेंज, तो रॉकीज है यहाँ पे। होता क्या है, यहां से आपकी जेट स्ट्रीम भी जा रही है, जानते होंगे आप लोग, जेट स्ट्रीम अगर नहीं पढ़ा है तो फिर भी पढ़ लीजिएगा। ऊपर क्या है, कोल्ड है, नीचे जो एक्सट्रीमली हॉट एयर है, गर्मी बहुत पड़ रही है। अब क्या होता है, जब ये टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट ग्लोबल वार्मिंग से कम होता है तो ये थोड़ी वेवी हो जाती है, तो ठंडी हवा जैसे इधर आ जाएगी तो उसकी जगह गर्म हवा पेनिट्रेट करेगी। दूसरा क्या होता है, जब पहाड़ पे, यहाँ क्योंकि पहाड़ी इलाका है तो दिन में जब गर्मी होती है तो वैसे तो आप देखोगे कि आपकी जो हवा है ऊपर उठती है, बट कहीं पे भी आप देखोगे बहुत सारे केसेस में क्या होता है, जो गर्म हवा है जब वो हाई प्रेशर बन जाएगा उसके ऊपर, तो हाई प्रेशर की वजह से क्या होगा, ये ऊपर उठ नहीं पाएगी, उसको दबाने की कोशिश करेगी,
अगर हाई प्रेशर बन जाएगा तो ये जो हवा जो ऊपर जाना चाहिए इसको उठ के पहाड़ों से, वो नीचे ऊपर जाने के बजाय नीचे गिर जाएगी, क्योंकि उसके ऊपर हाई प्रेशर बन गया। तो हाई प्रेशर बनने की वजह से जो ऊपर हवा जा रही है गर्म, वो नीचे आके गिरने लग जाएगी। और आपको पता है जब कोई ऑब्जेक्ट, एडियाबैटिक प्रोसेस आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, जब वो नीचे आता है तो हाई प्रेशर से वो कंप्रेस होगा, और कंप्रेस होने पे क्या होता है, हीट जनरेट होती है। तो जब हवा ऊपर जानी चाहिए थी वो नीचे आ रही है, और नीचे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है प्लस हाई प्रेशर लग रहा है, वो हवा जो है गर्म हो जा रही है, वार्म हो जा रही है। तो पहाड़ी इलाकों से जो हवा भी आ रही है वो भी गर्म हो जा रही है। इस वजह से यहाँ पे क्या एक बबल टाइप बन गया, हीट बबल, जिसकी वजह से यहाँ पे कनाडा में इतनी जबरदस्त गर्मी देखने को मिली। तो कई सारे कॉन्सेप्ट तो ज्योग्राफी लिंक है, तो ऐसी बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग के लिए वॉच माई प्लस कोर्सेस, जहां पे हम इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का फटाफट क्वेश्चन करते हैं। न्यूट्रिनो को लेके है, दे इंटरैक्ट वेरी स्ट्रॉन्गली विद ऑल द ऑब्जेक्ट्स एंड दीज आर कंसिडर्ड एज द सेकंड मोस्ट अबंडेंट पार्टिकल्स इन वर्ल्ड आफ्टर फोटॉन्स। हाई प्रेशर बनने के लिए क्या चाहिए सर? हाई प्रेशर तो ऑलरेडी ऊपर कोल्ड इलाका है, हाई प्रेशर तो आ गया वहां पे, हाई प्रेशर सिस्टम ही तो है। जहां पे ऊपर नॉर्दर्न पोर्शन पे आप देखोगे, नॉर्दर्न पोर्शन इज हाई प्रेशर ओनली बिकॉज इट्स अ कोल्ड एरिया। अब नीचे से गर्म हवा जो उठ रही है हाई प्रेशर उसको रोक दे रहा है, ऊपर हाई प्रेशर सिस्टम बन गया। एंड दिस हाई प्रेशर सिस्टम एंड लो प्रेशर सिस्टम मूव्स अकॉर्डिंग टू जेट स्ट्रीम। ठीक है, चलो विंडी से भी दिखा देंगे आपको, पहले पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लो फटाफट। अरे अभी रिसेंटली नहीं देखा था आपने, इंडिया में हीट वेव आई थी तो हमने डिस्कस किया था, आपको दिखाया था पूरा बबल बना के। हाँ करेक्ट आंसर इज बी। ठीक है, आपने आंसर देख लिया था, वैसे कोई बात नहीं, बट ठीक है। कुछ लोगों ने देख लिया था। सो दे डू नॉट रियली इंटरैक्ट स्ट्रॉन्गली, दे आर वेरी वीक इनफैक्ट, तो हर किसी से रिएक्ट नहीं करते। इस वजह से करेक्ट आंसर इज बी। बाकी आदि प्रशिक्षण पोर्टल, सो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल्स ने लॉन्च किया है विद यूएनडीपी, इट विल एक्ट एज अ सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ ऑल द ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्टेड अंडर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। चलो अच्छा पता था तो बहुत अच्छी बात है फिर तो। सो करेक्ट आंसर इसका ए है, पोर्टल हैज बीन डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स विद यूएनडीपी एंड ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट। इट विल एक्ट एज अ सेंट्रल रिपोजिटरी फॉर ऑल इन्फॉर्मेशन ऑन ऑल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्टेड बाय ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस द कंट्री। तो अंडर आदि प्रशिक्षण, सो आदिवासी से वर्ड आया है आदि। ठीक है जी, चलिए तो आप लोगों को जाने से पहले जरा एक बार हीट वेव और हीट बबल दिखा देते हैं, अब क्योंकि डिमांड हो रही है विंडी की। सॉरी तो विंडी यूज कर लेते हैं। चलिए तो देखिए सर एंड मैम, जाने से पहले लास्ट मिनट, ठीक है, विंडी अब आई थिंक सबका फेवरेट हो चुका है। तो इंडिया में तो देखो सर बुरा हाल है, यहाँ पे तो मुझे लगता है कि विंडी तो सर यहाँ तो 40, देखो आप 40 डिग्री दिखा रहे हैं, 42 के आसपास होगा, अभी अपडेट होने में टाइम लगेगा। और आप देखो सर बारिश वारिश तो कहाँ ही हो रही है, यहाँ पे बादल है ही नहीं, होगा कहाँ, कुछ नहीं है बादल सर, एक को बादल नहीं है यहाँ पे।
वेस्टर्न इंडिया में एक बादल नहीं है और ये अभी आगे बढ़ेगा ही। अगर मान लो यहाँ पे भी बादल होते तो कम से कम कल परसों में हम एक्सपेक्ट कर सकते थे। पूरा का पूरा ईस्टर्न इंडिया पूरा देखो आपका मानसून से हो चुका है और यहाँ जुलाई आ चुकी है और बारिश की एक बूंद नहीं हुई है। देखो सर, देखो आप, एक बादल नहीं है यहाँ पे। रेन अक्यूमुलेशन सारा का सारा नॉर्थ ईस्ट ईस्टर्न पोर्शन में है, पूरा खाली पड़ा है सर, कोई बारिश नहीं हो रही यहाँ पे, कुछ पूरा खाली पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं है बादल में। मैं भी सोच रहा हूँ दिल्ली से थोड़े दिन के लिए संन्यास लेके निकल जाऊं कहीं पे जहां एटलीस्ट बारिश वारिश हो रही है, नहीं तो ये मालदीव से चला जाता हूँ। मैं भी बॉलीवुड सेलिब्रिटी जा रहे हैं, मैं भी सोच रहा हूँ निकल लूं इससे पहले कोई वेव आ जाए, या विक्टोरिया आइलैंड वाइलैंड जाए, बढ़िया बारिश हो रही नहीं, डिएगो गार्सिया घूम के आते हैं यूएस के बेस पे, मॉरिशियस वॉरिशियस घूम के आते हैं। देखो बारिश नहीं है सर, है ही नहीं कुछ, कहां से बारिश होगी, कुछ बचा ही नहीं, खत्म सर खत्म। अब आप इधर आ जाओ, एज यू कैन सी ये विंड पैटर्न देखने को मिल रहा है, यहाँ हाई प्रेशर है बहुत ज्यादा। तो अभी ये विंड है, लेट्स गो टू टेम्परेचर प्रोफाइल। आप देखो वेस्टर्न नॉर्थ वेस्ट कनाडा नॉर्थ वेस्ट यूएस अंडर दी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ हीट वेव। देखो इनके यहाँ पे 25-26 डिग्री में हीट वेव हो जाता है सर, 49 डिग्री पहुंच गया था, बहुत बड़ी बात है इनके लिए। अब कैसे बनता है, मैंने कल भी आप अभी सुबह भी दिखाया आपको, ये देखिए आपकी जेट स्ट्रीम जा रही है, जब जेट स्ट्रीम ऐसे वॉबल करती है, इसको हम रॉस्बी वेव्स बोलते हैं, तो ऊपर की ठंडी हवा तो सेंट्रल अमेरिका की तरफ आ गई है, सेंट्रल अमेरिका मतलब नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल नॉर्थ अमेरिका, और जो नीचे की गर्म हवा है वो यहाँ आके ट्रैप हो गई है, इसको हम बोलते हैं हीट डोम। ऊपर क्या है, गर्म हाई प्रेशर है, नीचे गर्म हवा उठने की कोशिश कर रही है बट हाई प्रेशर उसको और दबा रहा है, तो ये हीट डोम बनने की वजह से गर्मी और बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, एंड उसकी वजह से हीट वेव की कंडीशन। तो यही जो है इसी को हम बोलते हैं स्नेक लाइक मूवमेंट ऑफ जेट स्ट्रीम रिजल्ट्स इन दिस इशू। ठीक है जी, तो चलिए थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन फॉर ट्यूनिंग इन। नोट्स आपको मिल जाएंगे, बाकी सब न्यू अमेजिंग बैचेस स्टार्टिंग फ्रॉम 7th of July, सब्सक्रिप्शन ऑफर अन अकेडमी प्रॉमिस आपको मैंने बता ही दिया, कोड आपको पता है DPSLiveD27। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए अगर आप 7 जुलाई तक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 1 साल का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री मिलेगा। बाकी तो खैर आज कोई स्पेशल क्लास नहीं है, टुडे वी विल बी टेकिंग अ ब्रेक एंड आई विल सी यू गाइस शाम को 5 बजे पॉलिटी की क्लास के लिए, नो क्लास इन द आफ्टरनून टुडे। भैया हीट वेव से बचा लें अपने आप को, आप भी बचाएं, थोड़ा शांति में ठंडी में जाके बैठे कहीं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, प्लीज टेक केयर सेल्फ, हैव प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, पानी पीते रहें, जूस पीते रहें, दवा खाते रहें, लाइक विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत जरूरी है सीजन में। ठीक है गाइस, थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, सी यू गाइस, बाय।